प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा दो दिवसीय दौरे पर आज किया हाटा सीएससी का निरीक्षण। हाटा नगर पालिका कार्यालय में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। सरकार की योजनाओं का लाभ जनपद वासियों को मिले इसके लिए अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। यूपी में रोडवेज किराया बढ़ने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इसे महंगाई और गरीबों पर बोझ बताए जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने उनके बयान को बताया निराशाजनक। यूपी के जन जन तक पहुंच रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को भटकाने के लिए दे रहे ऐसा बयान। जब वो सरकार में थे तो केवल कन्नौज, मैनपुरी, इटावा सहित 4-5 जिलों को ही दिया था योजनाओं का लाभ। आज जन जन तक पहुंच पा रही है सरकार की योजनाएं। सतीश शर्मा, आज मेरा ये कुशीनगर में प्रथम आगमन हुआ है और जिसके क्रम में हाटा गोवाश केंद्र का निरीक्षण किया गया। उसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का भी निरीक्षण किया गया है। नगर पालिका में स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लाभार्थियों से संवाद किया गया है, तो ओवरऑल जो सभी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ जनपदवासियों को मिले, ये आज वहाँ स्थल पर जाके हम लोगों ने देखा भी है, लोगों को मिल भी रहा है और तेजी इसमें आए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अखिलेश जी 2014, 2017, 2019, 2022 के चुनाव में लगातार जनता ने उनको नकारने का काम किया है और पिछले 12 और 17 के बीच में जो भी योजनाएं वो बनाते आए हैं वो केवल कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और आजमगढ़, रामपुर, 4-5 जनपदों को ही उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया, बाकी लोगों को उपेक्षित रखा। आज सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, उनके बयान निराशाजनक हैं और उत्तर प्रदेश को जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं उसको एक भटकाने के इरादे से वो लगातार बयान दे रहे हैं।